Hello dear student, today we will read first chapter of class first position and comparison. आज हम कक्षा फर्स्ट का पहला जो अध्याय है position and comparison यानी स्थिति और तुलना. position का अर्थ होता है स्थिति and और comparison यानी तुलना, स्थिति और तुलना करना यानी किसकी किसी वस्तु की स्थिति कहाँ है, उसकी तुलना किस प्रकार की जाती है, उसका उसका स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है. फॉर बेस्ट एग्जाम्पल इन द एग्जाम्पल हमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको देखना है कहाँ पर किसका उपयोग होगा. टॉप एंड बॉटम. टॉप का मतलब होता है ऊपर एंड और बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे, यानी कि कब बॉटम का प्रयोग होगा, कब जो है टॉप का प्रयोग होगा. ऊपर की स्थिति के लिए टॉप का प्रयोग करेंगे और अगर कोई वस्तु नीचे की ओर स्थित है तो उसके लिए बॉटम का प्रयोग किया जाएगा. सो फर्स्ट द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर. एक लड़का सीढ़ियों के शीर्ष पर है. शीर्ष पर यानी ऊपर लास्ट पॉइंट पर है, शीर्ष पर है. बॉय यानी लड़का, इज यानी है, एट यानी पर, टॉप यानी ऊपर, ऑफ यानी के, स्टेयर यानी सीढ़ियों. सो शीर्ष शीर्ष भी कह सकते हैं, टॉप यानी ऊपर शीर्ष पर है. तो एक लड़का सीढ़ियों के शीर्ष पर स्थित है, तो यहाँ टॉप का प्रयोग हुआ क्योंकि वो शीर्ष पर है, ऊपर की ओर है, सबसे ऊपर है. इसलिए नेक्स्ट हिज सिस्टर इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. और जो है हिज यानी उसकी, सिस्टर यानी बहन, इज यानी है, एट यानी पर, बॉटम यानी नीचे, ऑफ द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के, और उसकी बहन सीढ़ियों के नीचे है. उसकी बहन सीढ़ियों के नीचे है और लड़का सीढ़ियों के ऊपर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क टी फोर टॉप एंड बी फोर बॉटम. तो इसमें हमें जो डायग्राम दिए हैं, चित्र दिए हुए हैं, पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे एक ट्री की है, यहाँ पर एक हट की झोंपड़ी की दे रखी है. तो मार्क टी फोर टॉप, टॉप के लिए हमें यहाँ टी का प्रयोग करना है, कैपिटल टी का, और बॉटम के लिए हमें कैपिटल बी का प्रयोग करना है. अगर हमें स्थिति देख के बतानी है, यहाँ आपके पिक्चर के सामने ऊपर और नीचे बॉक्स बने हुए हैं, दोनों पिक्चर के अंदर ऊपर नीचे बॉक्स बने हैं, इसमें जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें फिल करना है. तो टॉप के लिए टी कैपिटल और बॉटम के लिए कैपिटल बी का प्रयोग करना है. हमें इसकी स्थिति बतानी है कि कहाँ पर, जैसे एक जो बर्ड्स है नीचे, एक बर्ड्स ऊपर है. यहाँ दो पक्षी दे रखे हैं, ट्री, एक पेड़ दिखाई दे रहा है. इस पेड़ के एक तो ऊपर पक्षी है, एक नीचे की ओर पक्षी है. तो हमें ये ध्यान रखना है जो ऊपर की ओर जो बॉक्स है उसमें, और ऊपर के लिए जो हमेशा जो प्रयोग होता है टॉप का प्रयोग होता है. तो ऊपर वाले पक्षी के लिए कैपिटल टी यानी टॉप, टॉप का प्रयोग होगा तो कैपिटल टी बॉक्स में हम फील करेंगे, कैपिटल टी. और जो नीचे वाला पक्षी है और नीचे की स्थिति के लिए हमेशा आप बॉटम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बॉटम की जगह हमें क्या करना है, कैपिटल बी का प्रयोग यहाँ करना है. तो ये स्थिति के अकॉर्डिंग हमें लिखना है. अगर कोई वस्तु या कोई भी जानवर, पक्षी, पशु, कोई व्यक्ति अगर ऊपर की ओर स्थित है तो उसके लिए टॉप का प्रयोग होगा, और अगर नीचे स्थित है तो उसके लिए बॉटम का प्रयोग होगा. अब नेक्स्ट में देखिए, आपके सामने यहाँ झोपड़ी दिखाई दे रही है. झोपड़ी में देखिए, यहाँ पे नीचे एक पशु है, ऊपर भी एक पशु, यानी ये टॉप कह सकते हैं. एक कुत्ता दिखाई दे रहा, एक तो झोपड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ, एक झोपड़ी के नीचे एक कुत्ता दिखाई दे रहा है. तो ये डॉग के लिए, जो ऊपर वाला डॉग है उसके लिए हमें क्या फील करना है, और नीचे वाले डॉग के लिए हमें क्या फील करना है. जैसा मैंने बताया है, जो ऊपर की ओर वस्तु कोई भी चीज स्थित होती है तो स्थिति उसकी टॉप में होगी, नीचे वाले की बॉटम में लिखी जाएगी. तो यहाँ पे हमें जो कैपिटल ऊपर वाला जो डॉग है उसके लिए कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये टॉप पर स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है, ये ऊपर की ओर स्थित है, और नीचे वाला जो डॉग है वो नीचे की ओर स्थित है, इसलिए इसके लिए कैपिटल बी का प्रयोग करेंगे. नीचे वाले के बॉटम के लिए कैपिटल बी और टॉप के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया जाएगा. इसी तरह यदि अपने सामने कोई पिक्चर या डायग्राम हो जो स्थिति के अनुसार हमें अगर पूछा जाए, तो अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर स्थित हो तो उसके लिए टॉप का प्रयोग करें, और अगर कोई नीचे की ओर स्थित है तो उसके लिए बॉटम का प्रयोग करना चाहिए हमें. नेक्स्ट, इनसाइड एंड आउटसाइड.
इनसाइड यानी अंदर की ओर, आउटसाइड यानी बाहर की ओर। तो अंदर और बाहर की ओर की जो है वो हमें स्थितियाँ इसमें बतानी है। जो नेक्स्ट पिक्चर अपने सामने है और एग्जांपल भी दिया हुआ है अपने इसके अंदर, सो एग्जांपल भी अपने पास में दिया हुआ है। द डॉग इज इनसाइड द कैनल, आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ एक कैनल दिया हुआ है, बाहर एक गेट है कैनल के बाहर, और कैनल के अंदर जो कैनल होता है कुत्ता घर, तो उसके अंदर जो एक डॉग है कुत्ता अंदर की ओर कैनल, तो कहते हैं डॉग इज इनसाइड द कैनल, जैसा हमें पिक्चर में दिख रहा है। डॉग यानी कुत्ता, इज यानी है, इनसाइड यानी अंदर, कैनल यानी घर के, कुत्ता घर के अंदर है। तो आपको यह दिख रहा है ये कैनल है, इसमें जो डॉग है वो दिख रहा है, वो अंदर है घर के अंदर, कैनल के अंदर है। एंड द कैट इज आउटसाइड द कैनल, और आपको दिख रही है जो बिल्ली दिख रही है, कैट, कैट यानी बिल्ली, वो बाहर है कैनल के बाहर, यानी कुत्ता घर के बाहर है। तो ये लिखा हुआ कैट यानी बिल्ली, इज यानी है आउटसाइड यानी बाहर, द कैनल यानी कुत्ता घर के बाहर, तो बिल्ली कैनल के बाहर है, कुत्ता घर के बाहर है। तो नेक्स्ट पिक्चर अपने सामने दे रखी है। अब क्वेश्चन अपने मार्क आई फॉर इनसाइड एंड ओ फॉर आउटसाइड, तो हमें इसमें जो स्थिति बतानी है इनकी, जो पिक्चर के अंदर आपको दिख रही है वो स्थिति बतानी। इनसाइड के लिए हमें कैपिटल आई का प्रयोग करना, मार्क करना, जो बॉक्स दिए हैं उसमें फिल करना है, इनको मार्क करना है। और आउटसाइड यानी बाहर की ओर की स्थिति के लिए हमें कैपिटल ओ का प्रयोग करना है, तो पिक्चर को देखना है और बॉक्स को फिल करना है। इनसाइड के लिए कैपिटल आई और आउटसाइड के लिए कैपिटल ओ। तो एक आपको इस जो पिक्चर दे रखी है, दो पिक्चर इधर, इसके अंदर आपको ये दिख रही है, एक तो जो लड़की है इधर और एक ये बॉय दिख रहा है इधर। तो ये जो बॉक्स के अंदर है और ये बॉक्स के बाहर है, तो जो बाहर है और अंदर है, तो इनकी स्थितियों के लिए हमें यूज करना इनसाइड और आउटसाइड, और मार्क करना इनसाइड की जगह आई कैपिटल और आउटसाइड के लिए कैपिटल ओ का प्रयोग करना है। तो ये जो गर्ल्स है बॉक्स के बाहर है, यानी आउटसाइड है, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर आउटसाइड में है, तो इसलिए आउटसाइड के लिए कैपिटल ओ का प्रयोग करना है, तो इसलिए बॉक्स में फिल करना है कैपिटल ओ, कैपिटल ओ का प्रयोग करना है बॉक्स के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट जो बॉय दिख रहा है वो बॉक्स के अंदर दिख रहा है, आपको बॉक्स के अंदर है, तो इसके लिए अंदर है यानी इनसाइड, अंदर का मतलब इनसाइड है, इनसाइड के लिए हमें कैपिटल जो आई है उसका प्रयोग करना है। तो इस बॉय के लिए जो बॉक्स है उसमें हमें कैपिटल आई का प्रयोग करना है। तो ये हो गई पिक्चर। तो हमें स्थिति के अकॉर्डिंग हमें जो यूज करना है इनसाइड और आउटसाइड का, तो जो बॉक्स के अंदर है उसके लिए इनसाइड यानी कैपिटल आई, और बॉक्स के बाहर है आउटसाइड, आउटसाइड है तो कैपिटल ओ का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें जो दिख रहे हैं आपको, एक तो जो ग्लास बोतल दिख रही है, कांच की बोतल है, इसके अंदर एक मेंढक है, इसमें भी एक जो है मेंढक दिख रहा है। तो आपको यहाँ देखिए जो ग्लास बोतल के अंदर है ये मेंढक और ये जो बाहर दिख रहा है, तो एक जो अंदर है और एक ये बाहर है, तो इसमें कोई बोतल नहीं, ये बोतल के अंदर, बोतल बनी हुई है ग्लास कांच की, बोतल के अंदर है एक मेंढक और यहाँ बाहर है। तो जो बाहर है उसके लिए हमें प्रयोग करना आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर, और बाहर की ओर आउटसाइड के लिए कैपिटल ओ का प्रयोग करना, इसलिए इसके लिए हमें जो स्थिति वो बतानी है आउटसाइड की यानी कैपिटल ओ की। और ये जो ग्लास के ग्लास बोतल में है, ग्लास बोतल यानी कांच की बोतल में है, तो अंदर है इनसाइड है, और इनसाइड है यानी बोतल के अंदर है, तो इसके लिए हमें कैपिटल आई का प्रयोग करना है। तो इस तरह हमें जो है इनसाइड और आउटसाइड की स्थिति का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रखना है कब इनसाइड का प्रयोग होगा और कब आउटसाइड। अगर कोई वस्तु अंदर की ओर है तो उसके लिए इनसाइड का प्रयोग होगा, और अगर कोई बाहर की ओर दिखाई दे रही है तो उसके लिए हमें आउटसाइड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट अबव एंड बिलो, अबव यानी ऊपर, बिलो यानी ठीक नीचे, यानी ठीक ऊपर और ठीक नीचे, अबव एंड बिलो। तो यहाँ पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर देखिए आप पिक्चर के अंदर एक फूल दे रखा है, पुष्प दे रखा है, जो इसके नीचे ठीक नीचे एक लाइन के अंदर ये चींटियां दे रखी है, ऊपर एक
बटरफ्लाई यानी एक तितली फूल के ठीक ऊपर उड़ रही है और नीचे जो चींटी है फूल के नीचे चल रही है। तो इसके लिए अबव और बिलो का प्रयोग जो हुआ है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं कि बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लावर के, जो एक तितली फूल के ऊपर उड़ रही है, फूल के ऊपर उड़ रही है, फूल पर नहीं फूल के ऊपर, बराबर जब ऊपर की ओर आ जाए कि कोई ऊपर की ओर जा रहा हो उड़ रहा हो, तो उसके लिए अबव का प्रयोग किया जाता है। और नीचे जो चींटियां दिख रही है आपको एक लाइन में ठीक फूल के नीचे चल रही है, तो उसके लिए बिलो का प्रयोग होगा, आर्म्स आर मून इन ए लाइन बिलो द फ्लावर। आर्म्स यानी चींटियां, आर यानी है मूविंग यानी जो चलना, इन यानी में ए लाइन यानी एक लाइन में, बिलो यानी नीचे, द फ्लावर यानी फूल के, तो चींटियां फूल के नीचे एक लाइन में चल रही है और बटरफ्लाई यानी तितली इज यानी है फ्लाइंग यानी उड़ रही है, अबव यानी ऊपर, द फ्लावर जो तितली है वो फूल के ठीक ऊपर उड़ रही है, सॉरी तितली फूल के ऊपर उड़ रही है और जो चींटियां है फूल के नीचे एक लाइन में चल रही है। नेक्स्ट है अपना इसके अंदर मार्क ए, मार्क ए फॉर अबव एंड B कैपिटल B फॉर बिलो, हमें मार्क करना है अबव के लिए कैपिटल A और बिलो के लिए कैपिटल B का प्रयोग करना है। कुछ पिक्चर दे रखी है, पिक्चर को देखकर हमें इसका जो है अबव और बिलो लिखना है। तो जैसा कि इसके अंदर आपको दिख रहा है ये एक जो है ट्री दे रखा है या पेड़ दे रखा है, ठीक है पेड़ दे रखा, पेड़ के ठीक ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है और एक ठीक नीचे जो पक्षी पेड़ के ठीक नीचे बैठा हुआ है। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है जो बॉक्स बने हुए ऊपर और नीचे दो बॉक्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर अबव के लिए तो कैपिटल ए बॉक्स में फिल करना है और बिलो के लिए कैपिटल बी फिल करना है। तो इसमें आप देखिए जो ये पक्षी है ये ठीक पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, तो इसके लिए जो है मार्क क्या करना होगा, अबव या बिलो, ऊपर की ओर उड़ रहा है तो अबव, तो कैपिटल ए, कैपिटल ए फिल करना है इसमें। और नेक्स्ट ये जो पक्षी है नीचे वाला ये पेड़ के ठीक नीचे है, तो ठीक नीचे है तो इसके लिए बिलो, बिलो के लिए कैपिटल बी का प्रयोग करना है। तो इस बॉक्स में तो आएगा ए यानी अबव, तो इसमें आएगा बी यानी बिलो। नेक्स्ट है ये जो बादल दे रखे हैं अपने, इसमें जो बादल दे रखे हैं बादल के ठीक ऊपर जो सन है सूर्य दे रखा है, नीचे एरोप्लेन जा रहा है, बादलों के नीचे एरोप्लेन उड़ रहा है, ऊपर सूर्य दिख रखा है, जो सूर्य है बादल के ऊपर है और जो एरोप्लेन है वो बादलों के ठीक नीचे है, तो ऊपर सन के लिए जो आएगा कैपिटल ए अबाउ, क्योंकि ऊपर की ओर है बादल के और जो एरोप्लेन है वो बादल के ठीक नीचे है, इसलिए जो नीचे है उसके लिए बिलो यानी कैपिटल बी का प्रयोग होगा। तो हमें ये पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें ये फील करना है कि कहाँ पर अबाउ आएगा कहाँ पर बिलो फील करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये अबाउ और बिलो का प्रयोग भी करना सीखा है। तो इस तरह पिक्चर को देखकर जो है अबाउ और बिलो फील करना चाहिए।